मानना पड़ेगा, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के चलते ना इंसान अपने टैलेंट को जो उड़ान दे सकता है बस पूछे ही नहीं। ज़रूरत है तो बस कला की और आप में थोड़ी सी हिम्मत की। तो चलिए ऐसी ही एक इंटरनेट सेंसेशन के साथ आज डे आउट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ध्वनि भानुशाली की। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों ने इतना प्यार दिया इन जस्ट द स्पैन ऑफ वन ईयर। ऐसा कभी कल्पना किया नहीं था कि एक गाना आएगा, दूसरा गाना आएगा, फिर उसको भी इतना ही प्यार मिलेगा। जो भी आई डू इन लाइफ पीपल कैच ऑन टू और उनको अच्छा लगता है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है, तो मैंने भी नहीं सोचा था। एंड देन सडनली माई लाइफ चेंज्ड और आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। If there's upma at home, I'll eat upma. Okay. That now I'm eating peru because I feel like. Okay. And kabhi kabhi oats. Okay. कभी कुछ ज़्यादा मोटी हो जाती तो ओट्स खाती हूँ। कभी यहाँ पर आपके डैडी बैठे हुए हैं, ये बताइए कभी कुछ बना के खिलाती हैं आपको? सच बोलूँ? कुछ नहीं आता है। गाने कुछ नहीं आता है। हाँ, गाना बहुत अच्छा गाती है। तो कभी हम लोग बोलते हैं उसको रात को, जैसे बैठे हैं डिनर टेबल पे या खाना हो गया उसके बाद में बैठते हैं दोनों में भी चला, या सोने से पहले कुछ सुना दे तो कभी कभी मूड में होता तो सुना दिए, नहीं तो कुछ नहीं। फिर हम लोग को गाना पड़ता है बेसुरे हम। ओके। इसकी मम्मी बहुत अच्छा गाती है। जब ये पैदा हुई ना 6:21 AM संडे, हाँ, तो मॉर्निंग में जब भी मेरे हाथ में एक होता ना छोटा बच्चा, नो रोना नहीं कहूँगा, उसकी मुझे बहुत स्वीट लगी उसकी आवाज़ ही ना, एकदम कानों को आती ऐसी छोटी सी आवाज़। एंड देन आई डोंट नो समवेयर अराउंड द ध्वनि, मैं तो म्यूजिक इंडस्ट्री का हूँ, और सडनली इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कहीं, ऐसे ही लगा कि हम इसका नाम ध्वनि रखते हैं। पर ये जब भी से आई है ना, बड़ी हुई है ना, तो कभी मस्ती नहीं किया है। मस्ती क्या है वो भी उसको मालूम नहीं है। सरप्राइज लगा, ध्वनि बहुत कम आती है किचन में और आज वो बना रही है, सरप्राइज लग रहा है। पापा ने बोला था उपमा खाने का एंड दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू मेक, तो वो अभी बना रहे हैं विद हेल्प ऑफ सोनाली ऑफ कोर्स। अभी ये जो उपमा है वो बन रहा है, तो जब तक वो बन रहा है हम घर देख लेते हैं। सो ये हमारा हॉल है। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ये रेनोवेशन के बाद कलरफुल हुआ है। पहले बहुत ब्राउन टोन्स में घर था, और ये जो है ये ग्लास वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो नेक्स्ट टेंट दिस इज़ माई थिंग टू द हाउस।
ये हमारा घर का मंदिर है. सो मम्मी रोज़ सुबह सुबह पूजा करते हैं और पापा यू नो फ्लावर्स चढ़ाते हैं और मैं भी कभी कभी जाती हूँ. मतलब रोज़ सुबह ऐसा प्रणाम करके फिर मैं पूरा दिन शुरू करती हूँ. ये मेरा कॉर्नर है जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं यहाँ पे म्यूजिक प्रैक्टिस करती हूँ. इसको मेरा पापा गोडाउन बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत सारा स्टफ यहाँ पे मेरा रखा हुआ है और उनको ओसीडी है, उनको क्लटर अच्छा लगता है. सो ये बेसिकली ये वाला सोशल नेशन पे मिला था. ये बिकॉज परफॉर्म किया था वहाँ पे. यू नो मेकअप एरिया है तो अभी ये सेट किया हुआ है. इतना सारा मेकअप मेरे पास नहीं है. ये जो मेरा मेकअप करने आए हैं आज उनका है. उनका नाम साहित्य है. वो बड़ा अच्छा मेकअप करती है. ये गाठिया और ये पेड़ा मेरा फेवरेट थिंग है. बट अभी मैं खा नहीं सकती बिकॉज मैं मोटी हो जाऊँगी और मुझे पिंपल्स आते हैं इसकी वजह से. बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइज, यू शुड ट्राई इट. बचपन से ही मतलब सिंगिंग में ही था कि कुछ और बनना चाहती थी आप? मैं बचपन से ऐसा सबको अच्छा लगता है ना गाना गाना तो हाँ. तो मेरा भी ऐसे ही था एक्चुअली. देखिए ऐसा मेरे लाइफ में भी हुआ है. मतलब सबकी लाइफ में होता है कि लोग चले जाते हैं. तो आई थिंक सारे सब रिलेट कर सकते हैं इस लाइन से कि कुछ लोगों को लाइफ से निकाल कर आपकी लाइफ बेटर हो जाती है और अब आपका फोकस बेटर हो जाता है इज़ व्हाट आई फील. क्योंकि जब हम छोटे होते हैं लाइक मैं अभी 21 साल की हूँ बट जब मैं 17-18 साल की थी तभी यू नो आई यूज़ टू फेस ऑल दिस. कभी फेक फ्रेंड्स होते हैं, कभी लोग आपके जो सराउंडिंग में होते हैं वो अच्छे नहीं होते, आपका भला नहीं चाहते. नॉट नेसेसरली लव के बारे में बट जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल वो यू नो शायद अच्छा आदमी ना हो, शायद आपको यू नो एंड यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, भटका दे आपको. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. बेसिकली ये वीडियो सिर्फ ये कहता है कि नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में जो भी आए, जो भी चला जाए, आपको सिर्फ अपना गोल पे फोकस करना है. बैग में तो मेरे तो ये बुक होती है अभी फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, सिडनी शेल्डन द फीनिक्स. इट्स रियली गुड गाइस. इसमें से मेरी दवाई निकली है. Okay. ये D3 का सैशे है क्योंकि मुझे अभी एक्ने आ रहा है वापस. इट्स बिकॉज ऑफ PCOD हार्मोनल. सो ये मुझे डॉक्टर ने दिया है. okay. और फिर मेरे हेडफोन्स होते हैं. ओप्स. हाँ. और मेरा वॉलेट होता है बस. और कभी कभी मैं अगर सोना चाहती हूँ तो ये आई मास्क बस.
डेज है ना, आके यू विल फील लाइक अ चाइल्ड. और मुझे यहाँ पे बहुत टाइम से आना था, अभी मेरा फाइनली सपना पूरा हो गया है. जगह बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंट डिफरेंट यू नो देयर इज डीजेइंग, आई थिंक देयर इज डीजेइंग ऑल्सो ना, देयर इज फैशन डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग, छोटा छोटा, इट्स वेरी क्रिएटिव, आई लव दिस प्लेस. कितना अच्छा लगा कि मतलब इतना आपको सरप्राइज है, आप ही के गाने गाया इन लोगों ने. हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे. ऑलमोस्ट आंखें भर आई थी मेरी, बट व्हेन दे वर डूइंग द गणपति डांस ऑल द किड्स टुगेदर, इट वाज रियली फन टू वॉच, बहुत हार्ट वार्मिंग था. जाना पड़ेगा क्योंकि रिहर्सल खत्म हो गया है, तो अभी हम सब घर जाएंगे. एंड इट्स द एंड ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच एबीपी फॉर स्पेंडिंग द डे विद मी. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.